आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बड़े व्यापारी उद्योगपति रतन टाटा जो अचानक से चले गए और उनके जाने के बाद देश के आम हो या खास हो, हर किसी की आंखें नम है। रतन टाटा जिनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया और उनके व्यवहार की वजह से, उनके अच्छे व्यापारी के साथ साथ अच्छे परोपकारी होने के बहुत ज़्यादा देश भर में चर्चे, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग पहचान उनकी और उनके ब्रांड की रही। और इन सब माहौल के बीच में उनका अचानक से यूं चले जाना देश भर को गम में डुबो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। राजकीय सम्मान के साथ होगी अंतिम विदाई। महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। रतन टाटा का निधन हुआ है। 86 साल की उम्र में अंतिम विदाई उन्होंने ले ली। उनके जाने के बाद उनके रहते हुए भी उनके व्यवहार की, उनके व्यक्तित्व की बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती थी। एक ऐसे उद्योगपति जो अरबपति तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी नीतियाँ रहीं, उनके फैसले रहे, उनका व्यापार करने का तरीका रहा, वो उन्हें बाकी व्यापारियों से, बाकी उद्योगपतियों से अलग बनाता रहा। और ऐसे में उनका चले जाना, जब हर तबके, हर वर्ग के लोग दुखी हैं और भारी मन से आज उन्हें विदाई देने के लिए तैयार भी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े ऐसे चेहरे जिनके जरिए शोक प्रकट किया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया है रतन टाटा को याद करते हुए। हर किसी ने उन्हें एक दूरदर्शी शख्स कहा और दूरदर्शी सोच के चलते ही उन्होंने अपने ब्रांड को न सिर्फ बड़ा बनाया बल्कि दुनिया भर में एक अलग पहचान भी रखी। गरीब वर्ग के लिए किस तरीके से उनकी सोच रही, क्या काम उन्होंने किए, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने नैनो लाए, नैनो जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित गाड़ी भी रही, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया है। रतन टाटा एक विजनरी बिजनेस लीडर थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही साथ अपनी और रतन टाटा की साथ में एक पिक्चर भी है जो उनके जरिए पोस्ट की गई है। रतन टाटा का चले जाना सभी की आंखें नम कर गया है। साथ ही साथ अचानक से यूँ चले जाना लोग यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके बताया था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आम लोगों के साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी ये कहा था कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और मैं सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में पहुँचा, इसीलिए इसको लेकर किसी भी तरह की अफवाह ना उड़ाई जाए, मैं, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद ही इस तरह की खबर सामने आ जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। शाम खबर आई कि क्रिटिकल कंडीशन है, फिर होते होते रात तक जब ये मालूम हुआ कि रतन टाटा नहीं रहे, तो उनका चले जाना एक बड़े झटके जैसा था, एक बड़े सदमे जैसा था। ऐसे में महाराष्ट्र, जहां पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, सभी कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया गया, प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी दुख जाहिर किया है रतन टाटा के जाने पर। रतन टाटा के जाने पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, साथ ही साथ बड़े राजनेताओं के जरिए भी उन्हें याद करते हुए उनकी तस्वीर शेयर की जा रही है, उनके योगदान को शेयर किया जा रहा है। देश के लिए उनका क्या योगदान रहा, व्यापारी के साथ साथ वो जो परोपकारी दिल उनका रहा, उनकी सोच रही, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा इससे पहले भी की जाती रही। और इसीलिए रतन टाटा एक ऐसे व्यापारी जो बाकी व्यापारियों से अलग अपनी एक पहचान बना पाए, अलग छाप छोड़ पाए, और इसीलिए चाहे वो गरीब तबका हो या फिर वो मध्यम परिवार के लोग हों या फिर अमीर श्रेणी के लोग हों, हर कोई आज रतन टाटा को याद कर रहा है। मुकेश अंबानी तो कह रहे हैं भारत के लिए बड़े दुख का दिन है ये, और जो ये क्षति है ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। गौतम अडानी कह रहे हैं दूरदर्शी व्यक्ति को हमने खो दिया है और उनका यूं अचानक से चले जाना हर किसी को हैरान और परेशान कर रहा है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में
उन्होंने आखिरी सांस ली। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जो लिखते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। रतन टाटा के निधन पर सांसद कार्तिक शर्मा ने पोस्ट किया है, देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपूर्णीय क्षति जैसे शब्दों से ही मालूम होता है, वो क्षति जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, वो नुकसान जिसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। और रतन टाटा ऐसे ही उद्योगपतियों में एक हैं जिनके जैसा ना तो कोई हुआ और ना ही शायद कभी हो सकता है। देश के लिए अपूर्णीय क्षति हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया, साथ ही साथ उनकी तस्वीर भी शेयर की है। और ये जो तस्वीरें हैं रतन टाटा के मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आज भी जब ये तस्वीर हम देख रहे हैं या फिर ऐसे वीडियोस जो हम देख रहे हैं रतन टाटा जिनमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर तो और यकीन नहीं हो रहा कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है। 86 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली। दो दिन पहले जब उनकी तबीयत ख़राब होने की सूचनाएँ थी, खबरें थी, तब उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा था कि किसी भी तरह की अफवाह पर आप ध्यान मत दीजिए, मैं पूरी तरह से फिट हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, बस अपने रूटीन चेकअप के लिए मैं ब्रीच कैंडी अस्पताल आया हूँ। ऐसे में दो दिन बाद ही उनके निधन की खबर होना ये